प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लिखना ना भूलिएगा news@3@airynews.tv पर। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। पाकिस्तान में हर 10 अफराद में से एक शख्स डायबिटीज यानी शुगर का मरीज है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तानी नज़ार डॉक्टर्स ने लंदन में मुनक्किदा एक तकरीब में किया। साउथ एशिया में बढ़ती हुई बीमारी डायबिटिक यानी शुगर के सदबाब के लिए अबूजाबी और बरतानिया में आबाद चंद पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने पाकिस्तान का वाहिद डायबिटिक सेंटर तामीर करने का बेड़ा उठाया है। इस्लामाबाद के नवाही गांव फुलग्राम में 10 किनार पर मुहित ये डायबिटिक सेंटर ज़ेर तामीर है। ये सेंटर मुकम्मल तौर पर अंदरून और बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानियों के अतियात से तामीर किया जा रहा है। 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस अस्पताल में शुगर और इससे मुतालिक तमाम बीमारियों का 70% इलाज मुस्तहिक और गरीब अफराद के लिए मुफ्त किया जाएगा, जबकि अब भी कैंप ऑफिस के जरिए हर हफ्ते 500 मरीज मुफ्त इलाज की सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं और अभी तक 20,000 मरीज शुगर और इससे मुतालिक दीगर बीमारियों के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। द डायबिटिक सेंटर के चंद ट्रस्टीज का कहना था, इसमें जो मरीज हैं उनको हम हर किस्म का इलाज मुहैया करेंगे जो डायबिटीज मतलब होगा। ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट है जो होपफुली पाकिस्तान के अंदर एक डायबिटीज़ का शौकत खत्म होगा। पिछले 2 साल से हम लोग साइट क्लिनिक भी चला रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हमारे साथ तकरीबन 2,500 मरीज रजिस्टर्ड हैं, डायबिटिक पेशेंट रजिस्टर्ड हैं और उनके हम बाकायदगी से इलाज करते हैं। जो लोग दवा का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते उनका इलाज मुफ्त है। डायबिटीज़ क्योंकि इतनी ज़्यादा आम है पाकिस्तान में, उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि उसकी जो है अवेयरनेस को उजागर किया जाए, एक तो उसके लिहाज से, और दूसरा ये कि उसकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा और बड़ी एक्सपेंसिव हो गई, तो उसके लिए जो ये चैरिटेबल काम है, उसकी चैरिटेबल साइड है, वो बहुत उसके लिए मैं समझूंगी कि अप्रिशिएट करना चाहिए उनके काम को। बेसिकली हमारा एम जो है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़ इन एशियन पॉपुलेशन, और दूसरा ये है कि हमने सोचा कि एक ऐसा सेंटर होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो जिसमें सारे स्पेशलिस्ट हैं वो एक जगह पर मौजूद हों। अभी तक कोई ऐसी मिसाल नहीं थी। हुब्बुल वतन पाकिस्तानी दुनिया में किसी भी मुल्क में आबाद हों, इनके दिलों से मुल्क और अपने हमवतनों की मोहब्बत कम नहीं हो सकती और ऐसे फलाही कामों से इनकी मुल्क से मोहब्बत साबित होती है। फखरुल इस्लाम ताहिर, एयरवाई न्यूज़, लंदन।